ओम ह्रीं अर्हं ऋमोचिनाडं वीतरा सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। सच्चे देव शास्त्र गुरु, आज हम जानेंगे कि किनकी श्रद्धा से, किनके विश्वास से हम इस संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। आइए देखते सबसे पहले सच्चे देव का क्या स्वरूप है। सच्चे देव का लक्षण, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वे सच्चे देव कहलाते हैं। उन्हें अरिहंत, तीर्थंकर, जिनेन्द्र, परमात्मा और परमेश्वर आदि नामों से भी जाना जाता है। जो सच्चे देव होते हैं उनके लिए सबसे सुंदर पंक्तियां जीवन पर्यंत याद रखने योग्य हैं, तो मेरी भावना की पहली चार पंक्तियां, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो पहली पंक्ति में उन्होंने कहा, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, तो जिन्होंने राग द्वेष मोह आदिक जीत लिए ऐसे वीतरागी, सब जग जान लिया मतलब सर्वज्ञ, और निष्प्रह हो उपदेश दिया, बिना किसी इच्छा के अच्छी तरह जगत के कल्याण का उपदेश देने से हितोपदेशी। उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति अगली पंक्ति में कहा, सुनिए कि चाहे उन्हें बुद्ध कहो, चाहे उन्हें वीर कहो, चाहे उन्हें शिव कहो, चाहे उन्हें हर कहो, चाहे ब्रह्मा कहो, चाहे हरि कहो, नाम कोई भी हो, लेकिन लक्षण ये तीन ही होने चाहिए, वो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। जिनमें ये तीन लक्षण हैं वह हमारे सच्चे देव, सच्चे भगवान, सच्चे परमात्मा हैं। आइए अब क्रमशः इन तीनों को अच्छी तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले वीतरागी। वीतरागी किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु या प्राणी से राग अर्थात प्रेम, यह मेरा है, तथा द्वेष अर्थात बैर भाव नहीं करता, जिसको जो सबको समदृष्टि से अर्थात बराबर एक समान देखता है, तथा जिसमें 18 दोष नहीं होते, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि आदि जो 18 प्रकार के दोष हैं, वे सारे के सारे दोष उनमें नहीं होते, वे उन सब 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, और उन 18 प्रकार के दोषों से रहित होने के कारण वे अच्छी तरह अपनी आत्मा की निर्मलता को बढ़ाते हुए और सिद्धालय को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम अरिहंत कहते हैं। तो सबसे पहला लक्षण किनका? अरिहंत का है, वीतरागी। वीतरागी कौन? तो जिसमें वस्तु और व्यक्ति के प्रति राग ना हो, द्वेष ना हो, अच्छा अच्छा आओ वही हो हमारे गांव के तो राग हो गया, और आपसे हमारी बनती नहीं तो द्वेष हो गया। जो वीतरागी सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु हैं, वे ना राग करते हैं न द्वेष करते हैं, अपितु इन राग और द्वेष से वे हमेशा हमेशा दूर रहते हैं। फिर दूसरा लक्षण बताते हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कौन है? जो
कुछ हो चुका है, जो अब हो रहा है और जो कुछ आगे होगा, उन सबको प्रत्येक समय को जैसा का तैसा प्रत्यक्ष जानते हैं, वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। अच्छी डेफिनेशन क्या? जो प्रत्येक द्रव्य की अनंत पर्यायों अवस्थाओं को जानते हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सब कुछ जो घटित हो रहा है जानते हैं, वे कहलाते हैं सर्वज्ञ। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसे सर्वज्ञ नहीं जानते हो। संसार के प्रत्येक पदार्थ को वे अच्छी तरह अपने ज्ञान के बल पर जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। और तीसरा लक्षण है हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले, जो सब प्राणियों जीवों को हित का अर्थात कल्याण का, संसार से पार होने का, संसार के चक्र संसार के सुख और दुखों से मुक्त होने का उपदेश देते हैं, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। देखो हितोपदेशी लक्षण कितना अच्छा। वे भगवान अरिहंत महाप्रभु बिना किसी राग बिना किसी द्वेष के प्राणी मात्र के हर एक व्यक्ति के कल्याण का उपदेश देते हैं। और उनकी भावना क्या है? उनकी भावना है कि प्रत्येक जीव का कल्याण हो, प्रत्येक जीव का मंगल हो और प्रत्येक जीव इस संसार समुद्र से पार हो जाए, बस यही उनकी मंगल भावना होती है। इसलिए उनका उपदेश कैसा होता है? निष्प्रह, उसमें कोई इच्छा नहीं होती। हम और आप क्या करते हैं? हम और आप हर चीज में कोई इच्छा जोड़ते हैं। आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपको परीक्षा में पास होना है, परीक्षा में पास होना ये हमारी इच्छा हुई, लेकिन उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती कि अगर वो आपको उपदेश दे रहे हैं तो ये उपदेश इसके लिए ऐसा ऐसा काम कर दे। बिमात्र सामने वाले के पुण्य के निमित्त से उनकी पवित्र वाणी खेलती है, प्रत्येक जीव के पुण्य के निमित्त से भपि भागन बच जोगे वसाय। भव्य जीव के पुण्य और वचन वर्गणाओं के योग से आपकी पवित्र दिव्य ध्वनि होती है, जो कैसी है? धुनी हवे भवतम हराए, पर संसार रूपी तमिर को अज्ञानता को नष्ट कर देने वाली है। तो ऐसे भगवान, हाँ भगवान तो ऐसे ही होते हैं। अब वे भगवान चाहे उनका नाम कुछ भी रख दिया जाए, लेकिन उनमें लक्षण ये तीनों चाहिए। अगर ये तीनों लक्षण नहीं है तो हम उन्हें भगवान नहीं मानेंगे। इसलिए अच्छी तरह जिनमें ये तीन लक्षण पाए जाएंगे वही हमारे भगवान हैं, वही सच्चे देव हैं। इसलिए हम उन सच्चे देव को बारंबार नमस्कार करते हैं और संकल्प जीवन में करें कि हे प्रभु, हम कभी भी ऐसे सच्चे देव को छोड़कर यहाँ वहाँ ना भटकें। एक ही भाव स्त्रोत के अंदर बहुत सुंदर पंक्ति दी और उन्होंने लिखा, देखो जो कुरूप हो असुंदर हो वो वस्त्रों का प्रयोग करे, जो किसी से डरता हो वह अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करे। हे प्रभु आप तो सर्वांग सुंदर हैं, हे प्रभु आप तो निडर निर्भीक और राग द्वेष से रहित निष्कषाय हैं, तो ना तो आपको वस्त्र की जरूरत है और ना ही आपको अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। ये क्या है? ये भगवत पने की, परमात्म पने की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। इसीलिए हर धर्म में एक सर्वोत्कृष्ट अवस्था जो प्रभु और परमात्मा की मानी जाती है वह यह ही है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रभु
ऐसे अरिहंत भगवान प्राप्त हुए। हम अपने जीवन में निरंतर उनकी भक्ति करें, उनकी उपासना करें, स्तुति स्तवन गाएं। और उन्होंने बहुत सुंदर पंक्ति हम सबके लिए कही कि मेरी भक्ति करते करते तुम स्वयं मेरे जैसे बन जाओगे। बस ये पंक्ति सुनकर हम सब हृदय से प्रफुल्लित होकर कहें कि हे प्रभु वंदे तद्गुण लब्धये, कि हे भगवान हमें जल्दी से जल्दी वह सब प्राप्त हो जो आपने पाया है। अब दूसरी, हमें सच्ची श्रद्धा किसकी करनी है? तो हमें सच्ची श्रद्धा करनी है शास्त्रों की, क्योंकि संसार में बहुत सारे शास्त्र हैं, किताबें हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे तो पढ़कर राग द्वेष विषय कषायों को बढ़ाने वाली हैं और संसार में भटका देने वाली हैं। इसलिए अच्छी तरह आज बैठकर पहचान करो कि सच्चा शास्त्र कौन सा है। तो कहते हैं जो सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ हो, जिसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं होता हो। उन्होंने कहा पहले अपनी बात कही फिर दूसरी बात कही तो पहली बात कट गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी पहली बात से दूसरी बात कट जाए। ऐसा यदि बोलते हैं तो वह कहलाता है विरोध, तो वह विरोध से रहित होना चाहिए। जो खोटे मार्ग का नाश करता है, अर्थात कापथ घट्टनम, जो मिथ्या मतों को अच्छी तरह समझाकर उनका विनाश करता है। अच्छी तरह ये भी समझना, नहीं नहीं भैया जी आप तो अच्छी अच्छी बातें कहा करो, गलतियां मत गिनाया करो। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। कापथ घट्टनम, अच्छी बातों के साथ जो बुरी बातें भी जीवन में हैं उनका नाश कैसे हो, इसे भी अच्छे और सच्चे शास्त्र बतलाते हैं। क्यों? तो आचार्य ने लिखा जिन वयन मोसह मीणम, जिनेन्द्र भगवान के वचन कैसे हैं, औषधि हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के वचन औषधि के समान है, तो औषधि जब खाएंगे तो कैसी लगेगी, कड़वी, लेकिन बाद में क्या करेगी, लाभकारी हो जाएगी। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के वचन यद्यपि कड़क हो, यद्यपि कड़वे लगें, फिर भी वे वचन सुनने योग्य हैं, धारण करने योग्य हैं, क्योंकि वे हमारे आत्मकल्याण के साधक हैं। उनके बिना आत्मकल्याण कभी होना संभव नहीं। अगला लक्षण क्या कहा? तो कहते हैं अगला लक्षण है और जिसके पढ़ने सुनने से जीवों का कल्याण होता हो। ऐसा नहीं कि हमने जीवन भर पढ़ा लेकिन हमें मिला कुछ नहीं, नहीं। सच्चा शास्त्र वह जिसकी एक एक पंक्ति हम पढ़ते चले जाते हैं और हमारी आत्मा में आनंद झरने लगता है। आप लोग महसूस कर रहे होंगे इतने दिन से जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो वह स्वाध्याय हमारे जीवन में उन्नति ला रहा है, हमारे जीवन को अच्छा बना रहा है। और जिस दिन किसी कारण से स्वाध्याय नहीं होता उस दिन हमको सूना सूना सा महसूस होता है और ऐसा लगता है आज हम कुछ भी करें थोड़ा सा स्वाध्याय करना। ये क्या है? सच्चे शास्त्र का लक्षण है, वह शास्त्र कहलाता है। इसे हम और किन किन नामों से जानते हैं? तो इसे जिनागम, जिनवाणी, जैन शासन, वीर शासन, भगवत वाणी आदि नामों से भी सच्चे शास्त्र को जाना जाता है। सच्चे शास्त्र के ये सब नामांतर या पर्यायवाची हैं। ठीक है, अच्छी तरह ये जानने की बात है कि जिसे हम जिन सरस्वती या जिन वाणी आदि आदि संज्ञाएं देते हैं वह सब जिन आगम भगवान के मुख से कहे गए वचन हैं। आगम मतलब क्या? आगम में आ शब्द का अर्थ है आप्त, अर्थात अरिहंत, अरिहंत भगवान के द्वारा कहा गया हो। ग मतलब गढ़धर भगवान, गढ़धर भगवान के द्वारा जो गूथा गया हो,
अर्थात व्यवस्थित किया गया हो। और थर्ड नंबर पर है माँ, माँ मतलब मुनि, और मुनि महाराज मतलब आचार्य उपाध्याय, और साधु परमेष्ठियों के द्वारा जो लिखा गया हो उसे हम आगम कहते हैं। आगम शब्द बना कैसा, तो आगम शब्द बना आगमन से, आने से। तो जो अरिहंत भगवान के पवित्र मुख से गणधरों तक आया, गणधर भगवंतों से आचार्यों उपाध्यायों मुनियों तक आया, और वहां से विद्वानों के माध्यम से आज हम सब तक जो पहुंच गया, तो इसलिए उसका नाम है आगम। उसे ही हम जिन वाणी, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, वाणी मतलब वचन कहते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पर सच्चे गुरु। संसार में बहुत सारे सारे गुरु देखने को मिलेंगे, और उन गुरुओं से जुड़ जाने के बाद जीवन कैसा हो जाता है। पंडित जी साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, ते कुगुरु जन्म जल उपलनाव। विकुगुरु कैसे हैं, संसार रूपी समुद्र में वे पत्थर की नाव के समान हैं। वे स्वयं तो डूबेंगे डूबेंगे, और जो उस नाव में सवार होंगे वे सब डूब जाएंगे। तो ऐसे खोटे गुरुओं से बचने के लिए हमें अच्छी तरह सच्चे गुरुओं की पहचान होनी चाहिए। तो आइए देखते सच्चे गुरु कौन है। तो जो पांचों इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं रखते, पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, स्पर्शन को गर्मी है तो बहुत ठंडा ठंडा चाहिए तो एसी कूलर, गर्मियां हैं तो एसी कूलर चाहिए, ठंडी है तो क्या चाहिए, हीटर चाहिए। इसकी चाह से जो रहते हैं, अच्छा चरपरा भोजन, गरम गरम भोजन, ये इंद्रियों की चाह कहलाती है। तो वे पांचों इंद्रियों के विषयों की चाहत से रहित होते हैं। आरंभ नहीं करते, आरंभ मतलब होता है पाप कार्य, पाप से युक्त जो दुकान मकान घर गृहस्थी रोटी कपड़ा आदि जो कुछ ये किया जाता है वह सब कुछ आरंभ कहलाता है। तो वे मुनि महाराज जो सच्चे गुरु हैं वह इन सब कार्यों को नहीं करते। परिग्रह नहीं रखते, वे अपने पास कोई भी ऐसा उपकरण नहीं रखते जो परिग्रह की संज्ञा को प्राप्त हो, जैसे कपड़ा मोबाइल टीवी गाड़ी मकान आदि आदि उनके नहीं होते। तथा जो करते क्या है, तो निरंतर ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं। निरंतर निरंतर बस अपना ज्ञान अर्थात शास्त्रों का अध्ययन पढ़ना और पढ़ाना, और ध्यान अर्थात सामायिक और ध्यान, और तप प्राश्चित आदि उपवास आदि अनशन उनोदर अमोदर आदि वृत्ति परिसंख्यान आदि आदि तपों के माध्यम से निरंतर साधना को बढ़ाते हैं। तथा हमेशा पांचों पापों से दूर रहते हैं, उन्हें सच्चा गुरु कहते हैं। ये सच्चे गुरु अच्छी तरह हम पहचाने और जीवन पर्यंत के लिए इन सच्चे गुरु की शरण को प्राप्त करें। सच्चे गुरुओं को भगवान कुंदकुंद देव ने अष्टपाहुड़ के अंदर कहा, ये तो चलते फिरते तीर्थ हैं। चलते फिरते तीर्थ की उपमा दी, ये तो चैत्य हैं, आयतन हैं, यही धर्म हैं। और हिंदी कविकारों ने तो काव्यकारों ने बहुत सुंदर पंक्ति कही, और उन्होंने लिखा कि ये तो चलते फिरते सिद्ध हैं, इनके चरणों की रज जो है वह तीर्थ की भूमि के समान पवित्र है, सो मैं उसे अपने मस्तक पर धारण करता हूं। इन्हें हम और किन नामों से जानते हैं, तो ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी साधु और दिगंबर श्रमण आदि गुरु के नामांतर हैं। अपने शिक्षक को शिक्षक शिक्षा गुरु कहा जाता है,
और साधु मुनि को सच्चा गुरु कहा जाता, ये अंतर जीवन भर ध्यान रखना है। हाँ हाँ भैया जी, आप हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप हमारे गुरु हैं। नहीं नहीं जीवन पर्यंत के लिए ये दृढ़ निश्चय बनाएं, जिनसे हमें शिक्षा मिले वो हमारे लौकिक गुरु तो हो सकते हैं, पारलौकिक या सच्चे गुरु नहीं। जिनके शरीर पर एक धागा मात्र भी परिग्रह है वे अभी सच्चे गुरु नहीं हैं। इसलिए हमें जीवन पर्यंत के लिए किसी भी वस्त्रधारी को गुरु कहना नहीं चाहिए। यद्यपि लौकिक व्यवहार में हम लोग गुरु कहते हैं तो उसमें एक शब्द जोड़ दें, मेरे शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु कहने से सच्चे गुरु और शिक्षा गुरु में अंतर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है अब जिसने भी आपको पढ़ाया आपके टीचर्स हैं, अपूर्व में जिनका हमारा अच्छा अनुराग है वे सब हमारे लिए गुरु तुल्य हैं। हमसे जो बड़े हैं वे सब गुरु हैं, लेकिन वे सच्चे गुरु नहीं। सच्चे गुरु कौन? जो वीतराग निर्ग्रंथ दिगंबर पवित्र मुद्रा को धारण किए हुए हैं। इस पाठ से हमें क्या शिक्षा ग्रहण करनी है? इस प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानकर सदा ही उनकी भक्ति पूजा और सेवा करनी चाहिए। किंतु रागी द्वेषी देवी देवताओं व साधुओं को कभी नहीं पूजना चाहिए। जीवन पर्यंत के लिए एक संकल्प बन जाए कि ये सर हम कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। अगर हम इतनी कड़कता अपने अंदर लाएंगे तब जाकर ही हम सम्यक दृष्टि बनेंगे। तो जीवन पर्यंत के लिए इतनी दृढ़ता लाएं कि जो इनकी कैटेगरी में नहीं आता, मतलब सच्चा देव सच्चा गुरु और सच्चा शास्त्र नहीं है, उनके अलावा किन्हीं को भी हम श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक परमार्थ के लिए नमस्कार नहीं करेंगे। वरना आप कहेंगे हम तो अपने माता पिता को भी कल से नमस्कार नहीं करेंगे। नहीं नहीं माता पिता लौकिकता में जो व्यवहार में हमसे बड़े हैं, शिक्षा गुरु हैं, प्रतिष्ठित हैं, उनके प्रति उनको नमस्कार करना, उनके आगे झुकना ये सम्मान और विनय है। लेकिन उससे हमें मोक्ष या धर्म की भावना नहीं करनी है। अच्छी तरह से समझना है, कंसेप्ट को एकदम क्लियर करना है कि कोई भी वस्त्रधारी वंदनीय या पूजनीय नहीं होते, वे मात्र प्रशंसनीय होते हैं। उनकी अच्छी तरह प्रशंसा करें और वे यदि हमसे उम्र में बड़े हैं तो उनके प्रति जो यथायोग्य व्यवहार लोक सम्मत है, व्यवहार सम्मत है, धर्म सम्मत है, वैसा व्यवहार करना चाहिए और आप सब उसी प्रकार का व्यवहार करें। अनाचार शिथिलता तथा विषय कषाय बढ़ाने वाले मिथ्या शास्त्र कभी नहीं पढ़ने चाहिए। दुनिया में बहुत सारी किताबें बहुत सारे शास्त्र आपको यहाँ वहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। नहीं नहीं पहले अच्छी तरह उन्हें देखें, इनके लेखक कौन, इनके संपादक कौन, इन्हें किनने छापा। अरे हो सकता है मूल में तो भगवान और आचार्यों के नाम से लिखे हों और हिंदी भाषा रूपांतरण में सब गड़बड़ कर दिया हो, आप समझ नहीं सके ये क्या लिखा है, संस्कृत और प्राकृत क्या है और वो कहना क्या चाहते थे, और हिंदीकार ने सब कुछ अपने मन से उसमें लिख दिया और हमें भ्रमित कर दिया। और हमने क्या किया, हमने उन्हें खूब पढ़ा। इसीलिए इस 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की स्थापना की गई कि घर घर में स्वाध्याय की परंपरा विकसित हो, पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखे गए संस्कृत प्राकृत ग्रंथों का एक एक शब्द सा अध्ययन हो। ऐसी परंपरा अतीत में देखने को नहीं मिलती। हमारे और आपके महान पुण्य के योग से यह पवित्र स्वाध्याय की श्रृंखला हम सबको प्राप्त हुई है। हम सब निरंतर इसके प्रति आभार व्यक्त करते रहें और आपने अपना कीमती समय स्वाध्याय को दिया, इसलिए आप सब भी आभार के पात्र हैं। धन्यवाद।
जैनम जयतु शासनम।